Following are the summarized balance sheet of aluminium limited and silver limited. आपको नोट करने का टाइम नहीं दूंगा मैं, बस आपने जो कोई चीज लिखने वाली हुई मैं आपको लिखने दूंगा। जी भाईजन, पीपी बता दें। 1-1। अच्छा आप थोड़ी सी ना आज मेरी स्पीड देखिएगा, पेपर में हमने कैसे करना है। 1160 प्लस 960 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लस 290 इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट में सेफ एंड पे रहते हुए वर्किंग 1.1 ओपन कर रहा हूं, क्योंकि कोई ना कोई मसला तो होता ही है जी। अगर कोई मसला ना हुआ तो मैं 1000 को इधर ले जाऊंगा, परेशान ना होइएगा। अच्छा जी, इन्वेंट्रीज प्लस आगे अदर करंट एसेट्स प्लस 270 शेयर कैपिटल 1400। हद होगी, तरतीब से चलें। शेयर प्रीमियम कितना? 550। रिवेल्यूएशन सरप्लस, उसके बाद आ रही है रिटेन्ड अर्निंग्स। वर्किंग टू एस आर ई 2.1 एस आर एस, वर्किंग थ्री सी आर ई, वर्किंग फोर 3.1 और वर्किंग फोर एन सी आई। आरी 618, 445, लाइबिलिटीज हाँ जी, अच्छा जी सरप्लस कितना? 150। ओके, ये सारा अनएडजस्टेड डेटा पोस्ट हो गया, इनको समझाएं, नोट नहीं करना, नहीं करना नोट। अच्छा जी, साल के पहले दिन एएल एक्वायर्ड 75% शेयर होल्डिंग इन एसएल, अब सुकून में आ जाए। 70% होल्डिंग फॉर फॉलोइंग कंसिडरेशन। नंबर वन, हसमत करें, इश्यूएंस ऑफ 20 मिलियन शेयर्स ऑफ एएल, थोड़े से शेयर ले लेना। सर कैसे पता चला? आफ्टर वन मंथ ऑफ यकम फरवरी 2022 को शेयर ले लेना। द मार्केट प्राइस ऑफ द एएल शेयर एट डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज, इसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू थी 25। हाउ एवर मार्केट प्राइस इज इंक्रीज टू 27 एक महीने बाद। द इश्यूएंस ऑफ शेयर्स हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बुक्स एट रुपीज 27 पर शेयर। अब भाई अगर आपको शेयर इशू करने की एंट्री भूली भी है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। असल में ये ना दो एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल, और अगली एंट्री होती है परचेज कंसिडरेशन पेएबल डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। इस वाली एडजस्टमेंट में जब शेयर इशू करते हैं तब कुछ भी नहीं करते, इस वाली एडजस्टमेंट में जब शेयर इशू करते हैं तब कुछ भी नहीं करते। ये मैंने आप हजरात को बताया था,
ओहो, ये ओपन नहीं हो रहा। खैर है, ये मैंने आप हजरात को बताया था। सिर्फ किस दिन की एंट्री करेंगे? एक्यूजिशन डेट, और फिर ईयर एंड के ऊपर, या फिर अगर बाद में चेंज हो जाए तो उसको क्या नहीं करेंगे? रीट्रांसलेट नहीं करेंगे। देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ रीट्रांसलेशन। कहीं सवाल हमारा नज़र आया तो बता दीजिएगा। Is it possible? उनमें था तो वैसे ही नहीं मैं, लेकिन ओ नहीं, तेरा नंबर फाइल है कहीं ढूंढे। ये अच्छा जी, इश्यूएंस ऑफ 20 मिलियन शेयर्स ऑफ एएल आफ्टर वन मंथ ऑफ एक्विजिशन, द मार्केट प्राइस हैज इंक्रीज टू इतने। अब अगर मैं दो एंट्रीज करूं तो मेरे ख्याल से टाइम जाया होगा। अगर आप लोग करवाना चाह रहे हैं तो मैं कर देता हूं। यकम जनवरी को एंट्री और यकम फरवरी को एंट्री। इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड पेएबल, कितने शेयर्स? 20 इंटू रुपीज 25। परचेज कंसिडरेशन पेएबल डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। There will be no retranslation at year end. 20 into 10, 300. जब कभी हम शेयर इशू करने का वादा करते हैं तो ऐसी सूरत में हम जो है परचेज कंसिडरेशन पेएबल वाली एंट्री भी 25 रुपए से करते हैं, और जब कभी इशू करें तब भी 25 रुपए से एंट्री होती है। जीयर एंड पे या इशू के वक्त रीट्रांसलेशन। ये कौन सा वाला पेज था? थोड़े से पैसे ले लो वाला, थोड़े से शेयर, पेज 27 पे इसकी एंट्रीज लिखी हुई हैं, और पेज 27 पे वो सवाल भी लिखे हुए जिनमें छोटे छोटे में इनकी रिवीजन की थी। रॉन्ग एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। वो कहते हैं मैंने एंट्री कर दी है कितने से? 27 से। हाउएवर मार्केट प्राइस इंक्रीज टू इतने, द इश्यूएंस हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स एट 27 पर शेयर। इश्यूएंस मीन्स शेयर इशूड की एंट्री कर दी है 27। 20 इंटू और 20 इंटू 10 और 20 इंटू 20 into 10। अच्छा, मैं कह रहा था कि इस एंट्री की जरूरत नहीं, ये और ये कट जाने आपस में, ओरिजिनल एंट्री में ही आपस में कट जाने। इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी चाहिए थी 500 से, डेबिट हो गई 540 से। अब मैं रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्ट पोस्ट कर रहा हूं। एडजस्टमेंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करने कितने से? सबर 40 से। शेयर कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था 200 से, हो गया 200 से। शेयर प्रीमियम क्रेडिट होना चाहिए था 300 से, हो गया 300। तो 40 से क्या कर दें? बस ये एडजस्टमेंट पोस्ट होगी। तो किस पे एंट्री होनी चाहिए थी? हिस्टोरिक प्राइस पे। किस पे हो गई? लेटेस्ट प्राइस पे। तो उसको रेक्टिफाई कर दिया हमने। रेक्टिफिकेशन की एंट्री नहीं करनी, बस इतना सा देख के भी काफी है। अच्छा, नेक्स्ट।
मैं सारी तस्वीरें खींचने दूंगा आप पॉइंट पे, या यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैश पेमेंट ऑफ 304 आफ्टर 3 ईयर्स, कैश पेमेंट होनी है 304 की आफ्टर 3 ईयर्स। यकम जनवरी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 300 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पार माइनस। ये ओरिजिनल चल रही हैं, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट की जगह सीआरई क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल है, 200। वो सोदी किंग की तरह भी कर सकते हैं, 304 को 2 साल पीछे बुला लें और वो सारा निशान रखें आप, 200 इंटू 30। ये एंट्रीज होनी चाहिए थी 3 lakh rupees बताएं, रॉन्ग एंट्री, हैज बीन रिकॉर्डेड इन फुल इन एएल बुक्स। एक्सलेंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट 304 से, ये रॉन्ग एंट्री होगी। कितने से डेबिट होनी चाहिए थी, कितने से हो गई, एडजस्टमेंट नंबर 1 अभी चल रही है 104। पेएबल कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, 230 से, कितने से हो गया 74, लेस कर दें -74। आपके समझने के लिए एडजस्टमेंट 1। अच्छा जी, खर्चा कितने से डेबिट होना चाहिए था, 30 से, नहीं हुआ, कर दें जी इंटरेस्ट एक्सपेंस 30, एडजस्टमेंट नंबर 1, डन। इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी चाहिए थी 230 से, सॉरी 200 से हो गई, पेएबल क्रेडिट होना चाहिए था 230 से, हो गया, रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दें। ये था लेटेस्ट इनका सवाल। ओके, आगे चलें। यहां पे खड़े होकर मुझे बता दें मैं वर्किंग 1 में क्या लेके जाऊं, मुझे बताएं मैं वर्किंग 1 में क्या लेके जाऊं, क्या वर्किंग 1 में क्या लेके जाऊं, हाँ वर्किंग, हाँ नहीं, ये तो रेक्टिफाइंग पोस्ट कर दी है ना, ये रॉन्ग फिगर थी, ये रॉन्ग फिगर थी, इसमें रेक्टिफाइंग, इस अकाउंट में तो कुछ लेके जाना ही है ना मैंने। क्या आप कोई मुझे बता सकते हैं प्योरली इन्वेस्टमेंट की फिगर ओरिजिनल कितनी है, क्या कोई बंदा प्योरली बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट की फिगर ओरिजिनल कितनी है, क्या कोई बंदा प्योरली बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट की फिगर ओरिजिनल कितनी है, मैंने तो ओरिजिनल एंट्रीज देखी है, क्या क्यों प्योरली बता सकते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक बात अब याद रखिएगा, अनएडजस्टेड फिगर्स में जब एडजस्टमेंट्स कर दें तो ये जो भी बैलेंस पड़ा होगा इसमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी। ये कौन सी फिगर है, एरर्स हुई ना सवाल ने लिखा हुआ है, अनएडजस्टेड में मैंने क्या कर दी। अब ऑब्वियसली इसका जवाब जरूरी नहीं 700 आए, इसका जवाब देखें क्या आ रहा है 856। मेरे सवाल वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं सही करके, लेकिन मेरी ओरिजिनल एंट्रीज चीख चीख के पुकार रही हैं इसमें सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट 700 है।
क्या करूं, 700 को मानूं या 856 को मानूं? मेरी गलत फिगर 1000, एडजस्टमेंट्स करने के बाद फिगर, मेरा दिल चाह रहा है 856 ले जाऊं वर्किंग वन में, लेकिन जब मैं इधर आया तो मेरी ओरिजिनल एंट्रीज कह रही हैं कि व्हाट इज द प्योर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बताएं 700 लेके जाऊं या 856 लेके जाऊं? 700 इसलिए ले जाऊं कि 856 शायद कोई सवाल चलने दें, अभी पता नहीं और क्या क्या होगा। लेस टेक टू वर्किंग वन, टेक टू वर्किंग वन, ये सही वाली फिगर है, इसमें हमारी सही वाली फिगर पड़ी होगी जी, 500 प्लस 200 इन्वेस्टमेंट। सवाल कह रहा था 856 सही वाली, मेरी एंट्रीज कह रही हैं 700, किसे ओरिजिनल मानू? 700 को, इसका मतलब है बाकी देर में भी सम अदर इन्वेस्टमेंट्स छोड़ने पर भी, ये इंशाल्लाह बैलेंस शीट के फेस पे ले जाएंगे अगर कोई वो एसोसिएट का पंगा पुंगा ना हुआ तो। देखो देखो ना, हाँ हर क्वेश्चन के लिए यही है, अनलेस के क्वेश्चन में वाजे लिख दिया जाए इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी, तो वो तो फिर सब्सिडरी वाली होंगी ना। अच्छा जी आगे, एट एक्विजिशन डेट SLRE एंड SL सरप्लस वॉस इतने एंड इतने, प्री आरई, प्री सरप्लस, आरई, ऐसे डेबिट ना करें, सब्सिडरी ऑलरेडी रिवोल्यूशन मॉडल यूज कर रही है, ऐसे डेबिट ना करें 105 से, ऑलरेडी वो कौन सा मॉडल यूज कर रही है, तो एसेट्स ऑलरेडी उसकी किताबों में सही पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा था अगर कभी सब्सिडरी की बैलेंस शीट में सरप्लस नजर आ रहा है तो फिर रिवैल्यू करने की एसेट जरूरत, लेकिन प्री वाली एडजस्टमेंट तो करें ना। किसकी इक्विटी में जान पैदा कर रहा हूं मैं? सब्सिडरी की, तो ये प्री है, प्री को यहां पर ले जाए, कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ एट एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी एसेट्स वर नॉट इक्वल टू बुक वैल्यू एंड द सरप्लस रिलेट्स टू, तो ये प्री आ गया। फर्दर कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल नेट एसेट्स वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यूज, बाकी सारे एसेट्स की बराबर है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अलावा जिसकी फेयर वैल्यू ज्यादा है 160 मिलियन, किसके एसेट्स की? एसएल के। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की और एडजस्टमेंट की थी, उससे इसको मिक्स नहीं करना, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी पेरेंट ने सब्सिडरी को किराए पे दी हुई थी, पेरेंट ने सब्सिडरी को किराए पे दी हुई थी, उसमें तो फिर मैंने उसे IS 41 से निकाल के IS 16 में डाला था, वो ना कर लीजिएगा। पेरेंट ने सब्सिडरी को किराए पे दी हुई है या दोनों के अपने कोई किराएदार होंगे? अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा तो दोनों के अपने किराएदार होंगे, और सवाल में यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद रखिएगा अब शायद ये कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। द रीजन इज के सवाल में कह रहे हैं फर्दर कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडरी एसेट्स फॉर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को वो फेयर वैल्यू मॉडल पर नहीं रख रहा। तो ये तो मशहूर जमाना कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, तो 160 की एंट्री कर दें जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और सरप्लस ही करते, कोई नहीं, IS 40 है फिर भी खैर है, कितना 160। ये पी ने एस को किराए पे दी हुई है या पी ने किसी और को किराए पे दी होगी? ऑब्वियसली ये तो नहीं लिखा हो कि एस को किराए पे दी हुई है। नेक्स्ट द प्रॉपर्टी हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 8 years,
बोथ एयर एंड एसएल सब्सिक्वेंटली मैयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूजिंग द, दोनों कॉस्ट मॉडल पे रखे हुए हैं. लेकिन कॉस्ट मॉडल का मतलब ये नहीं होता कि एक्विजिशन डेट का सरप्लस बुक नहीं करना. एक्विजिशन डेट का सरप्लस तो बुक करना ही, ये तो सिंपल एडजस्टमेंट है. आगे प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन मुझे बता दें कैसे निकालेंगे. बस बस अब बड़े हो गए हुए हैं, यहां डेप्रिसिएशन का लॉस लिख के एसआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट. जब दोनों कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो मैं क्यों इनका सरप्लस बुक कर रहा हूं? एक्विजिशन डेट वाला सरप्लस तो बुक करना ही करना है. और अगर ऑलरेडी इससे रिवेल्यूशन मॉडल यूज कर रहे होते दोनों, फेयर वैल्यू मॉडल मात्रा, तो फिर तो टेंशन की जरूरत ही नहीं थी. फिर ऑलरेडी किस पे आ रही होती चीजें? फेयर वैल्यू पर. AL follows cost model for PP. नजर मारें, सरप्लस नजर नहीं आ रहा. इधर देखो, AL follows cost model for, एक डब्बा बनाया था ना, चार चीजें revaluation, एक ये कर रहे, एक ये कर रहे, वो रिवाइज कीजिएगा, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा. इकट्ठे नोट्स भेज दी मैं सारे 104 इकट्ठे करके. अच्छा, AL follows cost model whereas SL follows फॉर पीपी. ओए होए होए होए, अब बता दें मैं किसके मुताबिक लाऊं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज? AL के मुताबिक. AL कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं लेकिन सब्सिडरी, ये चौथा सिनेरियो था हमारे उनके अंदर के सब्सिडरी. अब सब्सिडरी को मजबूरन किस पे लाऊं? अगर सब्सिडरी ने कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया होता तो ये सरप्लस 45 का ईयर एंड पे बुक ना करता. इसका मतलब है प्री वाला सरप्लस 105 है और पोस्ट वाला, प्री वाला 105 है और पोस्ट वाला ये 45 वो बुक ना करता अगर वो कौन से मॉडल पर होता. आप बता दें इसका सरप्लस मैं कंसोलिडेटेड सरप्लस अकाउंट और एनसीआई को दे दूं या इसके सरप्लस को, वरना अगर मैंने ये कर दिया तो फिर इसका कैरिड ऑन बैलेंस शीट में चला जाना है. इसका सरप्लस मैं दोनों में बांट दूं या इसके सरप्लस को किताबों से फारक कर दूं? क्यों फारक कर दूं? इसलिए कि बाप कौन सा मॉडल यूज कर रहा है. प्री वाला इधर से फारग हो गया, अल्लाह का शुक्र है, पीछे बच गया 45 ही, बाकी कितना बचा इसको मैं फारग कर दूं ताकि इस अकाउंट से इसमें कोई चीज भी, क्योंकि पेरेंट ये मॉडल यूज ही नहीं कर रहा था. इसलिए ये तो सरप्लस किताबों में तब जाता जब पेरेंट भी कौन सा मॉडल यूज कर रहा होता. अब 45 को उड़ा के सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट वापस किस पे ले आया इसके एसेट्स को? कॉस्ट मॉडल. ये वो आखिरी एडजस्टमेंट थी जो हमारी रहती थी. कौन मॉडल यूज कर रहा था? कॉस्ट और सब्सिडरी. इसके रिवेल्यूशन के तोड़ के हमने दो हिस्से किए, एक प्री मशहूरे जमाना, पोस्ट वाला बांटे या खत्म करें. क्यों? दानिश उठ गयो टाइम पे. खुदा के लिए स्टॉक की एडजस्टमेंट ना मेरे से करवाइएगा. आगे नहीं नहीं रिवाइज इट से ना. ऑन जकम जुलाई 2020 साल के मिड में पी एक्वायर्ड 5 मिलियन शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 25% शेयर होल्डिंग इन प्लैटिनम फॉर 91 मिलियन. लेस. सर आपको कैसे पता है ये इसमें पड़ी हुई है? भाई जी उसने कहीं नहीं लिखा हुआ इट इज नॉट रिकॉर्डेड, तो इट इज रिकॉर्डेड. ये ले जाए 91, कहा वर्किंग नंबर 7 में, किस नाम से? जी एट कॉस्ट. डन. सर आपको कैसे पता चला ये उस इन्वेस्टमेंट की फिगर में पड़ा हुआ है? यार ऐसे तो ना बातें करो ना, अब कहीं लिखा नहीं हुआ इट इज नॉट रिकॉर्डेड, तो इट इज अल्हम्दुलिल्लाह
रिकॉर्डेड। तो बस नहीं 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 वो प्री वाली फिर होती, फिर वो ऑलरेडी ट्रांसफर वाली होती, वो उस अकाउंट में ले जाते, फिर डेफिशिएंट तो करनी नहीं फिर, क्योंकि जब आपने बस उसका सरप्लस उल्टा दिया तो बस सरप्लस उल्टाना काफ़ी है। मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। अच्छा नेक्स्ट आगे चलें। ऑन एक्विजिशन डेट, साल के मिड में खरीदें, ऑन एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू का कुछ नहीं करना होता। मैंने ऐसे ही कहा था आपको, चेक कर लिया करें कितने का शेयर खरीदा है, 91/5। मैंने ऐसे ही कहा था चेक कर लिया करें कितने का शेयर खरीदा है, 18.2। काफी महंगा खरीदा, बाजार से वैसे 17 का मिल रहा था, लेकिन बाजार से 25% शेयर खरीदने मुश्किल है। बाजार में तो ऐसे 1-2% लोगों ने शेयर खरीदे होते हैं, तो इसका कुछ नहीं करना होता। AL ने नॉमिनेट किए हैं 5 में से 1 डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर हमारा एक भी हो जाए, चाहे होल्डिंग 20% से कम भी होती, तो भी ये हमारी एसोसिएट बन जानी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी तो दोनों बातें कंपैटिबल हैं। ड्यूरिंग 6 months PL रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 52, शुक्र है 6/12 नहीं करना पड़ेगा। ड्यूरिंग 6 months इट रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 52। साथ साथ इस टॉपिक में क्लोजिंग माइनस प्री से खेलूं या पैट से खेलूं, थर्टी। अच्छा इसकी डबल एंट्री मैं करता हूं अभी, बड़ा तेज है, डिविडेंड पे परसेंटेज नहीं लगानी। AL हैज रिकॉर्डेड इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड एज, ये तो P&L में कैंसल करते ना, कैंसल करते, लेकिन अभी बताएं मैं क्लोजिंग माइनस प्री से चलूं या नया मेथड फॉलो करूं, पैट माइनस डिविडेंड। तो पैट माइनस डिविडेंड वाले मेथड से चलेंगे जी। कितना परसेंटेज लगाए बगैर, और 13-5 को ये PRE हो गई, SRE 13-8, ये फाइन एडजस्टमेंट थी। सर आसिफ को भाई पता करें जरा, मशीन बेची है, मैंने एडजस्टमेंट करवा रहा, फेयर वैल्यू ऑफ नहीं नहीं डिविडेंड तो कभी शुरू नहीं चलानी, फेयर वैल्यू लॉस ऑफ 22 मिलियन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ AL रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स। ये AL की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर है, AL की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है। अ फेयर वैल्यू लॉस ऑफ 22 मिलियन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन AL रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। व्हाट आर द AL टोटल इन्वेस्टमेंट्स, पता नहीं कठी हुई है, व्हाट आर द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स का क्या करना है, अभी ऑफिस में रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स पे क्या बुक करना है। मेरे ख्याल से ये हमारी IFRS 9 वाली इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और इसमें हमने ना 70% शेयर खरीदे होंगे, ना हमने 25% शेयर खरीदे होंगे, बल्कि हमने कोई 1-2% शेयर खरीदे होंगे, और इनके IFRS 9 की रिवेल्यूशन लॉस की एंट्री नहीं की। -22, बाकी ये अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इंशाल्लाह फेस पे चली जाएंगी 22। तो सबसे टेक्निकल इस अटेम्प्ट में आई थी इन्वेस्टमेंट सर थोड़ी सी, तो लेकिन फिर भी बच्चे रिलैक्स रहे थे, ये वाली 7 से 91 वाली फिगर बच्चे ले गए थे सही, वर्किंग 7 में बिल्कुल ये भी ले गए थे, और बच्चे ये 22 का लॉस भी उन्होंने बुक कर दिया था, चाहे 1000 में से ही माइनस करो आप 22, एग्जामिनर ने तो आपको नंबर देने हैं क्योंकि 22 आपने माइनस किया है। बस हल्का फुल्का ये वाली एडजस्टमेंट्स भी 1-2 बच्चों ने कहा था कि हमने कर ली है, बाकी मिलते अगर ज़्यादा तो ज़्यादा भी बता देते। अच्छा तो इन द एंड जो थोड़ा सा मसला आना था ना, वो सिर्फ इस 700 का आना था कि व्हाट इज द ओरिजिनल फिगर टू बी टेकन टू वर्किंग नंबर, इसमें बस कोई आधा एक नंबर कट जाना था, बाकी ये भी आसान एडजस्टमेंट थी, ये भी आसान थी और ये भी आसान थी, लेकिन एंट्री करें इन्वेस्टमेंट क्रेडिट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है। अल्लाह हाफिज़।
एक मिनट, अब मैं आपके सवालात लेना शुरू करने लगा हूँ। जी जी मैं बिल्कुल पिक्चर वगैरह सब सब सब, मुझे एक मिनट सवाल का नंबर लिख लेने दें, पेज बता दें, वॉल्यूम 2 IAS। हाँ जी देखो यार, अनएडजस्टेड फिगर सवाल में अवेलेबल होती हैं, अनएडजस्टेड फिगर बंदा लिख ही लेता है। एक स्टॉक की एडजस्टमेंट थी और एक जो है मशीन की एडजस्टमेंट्स थी, ये दोनों इजी एडजस्टमेंट्स थी। उसके बाद सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर 22 रुपये वाली इंशाल्लाह आपकी सही हो जानी थी, और वो जो दो रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं, मेरे ख्याल से दो नहीं तो कम से कम किसी एक का इंटरेस्ट तो आप ज़रूर निकाल के आते जब आपको पता चलता वो 304 पे बुक है, और इंटरेस्ट भी आप CRE में डालते। बाकी को फटा फुटा थोड़ा बहुत सरप्लस में आ सकता था कि सरप्लस आप सही तरह से टैकल ना कर पाते। मेरे ख्याल से स्टिल इस सवाल में 50% मार्क्स लिए जा सकते थे, 50% मार्क्स लिए जा सकते थे। तो यू हैव टू इंश्योर कि आप हर टॉपिक का हर सब टॉपिक कवर करें। जब हर टॉपिक हर सब टॉपिक कवर कर लेते हैं तो हर सवाल पेपर में अल्लाह का शुक्र है आधा हो जाता है, और सादे की बुनियाद पे पास हो जाते हैं। चलें आप